तुम इसलिए गांव में आया और तुम हो ही ऐसा चीज आने का। हाँ तेरे को भैया कैसा लगा भैया? भाई एक बात बोलू क्या, ये जो बाल है ना ये आपको देखते हैं ना पूरा एकदम आर्टिफिशियल में ऐसा लगता है कि आप गुंडे गुंडे हैं क्या? Okay, it's me, Zaita, मैं थी watching from Assam blog. तो गाइस हमारे घर के सामने ना देख सकते हो गाइस कितना महंगा महंगा गाड़ी यहाँ पे रुका है। देखो गाइस वहाँ पे BMW, यहाँ पे है मर्सिडीज और यहाँ पे क्या गाड़ी है मुझे पता नहीं, लेकिन सब कुछ भाई लग्जरी गाड़ी जिसको बोलते हैं लग्जरी। यहाँ पे देख सकते हो भाई ये भी महिंद्रा कंपनी का है, वो है देखो भाई वो मर्सिडीज कंपनी का मर्सिडीज बेंज और सामने लगा हुआ है BMW। सो भाई गैस आज क्या ही बोलूं, आज इतना खुशी में हूं ना अनबिलीवेबल, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे घर में इतना बड़ा यूट्यूबर मेरे जैसे लड़का के घर में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ढेर सारा गाड़ी सारे कुछ भाई लग्जरी गाड़ी भाई दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो भाई ये है मर्सिडीज, आप लोग लोगो दिखा दूँ, ये देख सकते हो गैस मर्सिडीज लोगो, ये देखो भाई मर्सिडीज और यहाँ पे देख सकते हो गैस ये निशान देख कर आप लोगों को पता चला कि BMW। गैस पहली बार हमारा गाँव जैसा बस्ती जैसा यहाँ पे आया BMW और सब लोग ऐसे देखने के लिए आया, कौन है आप लोग को बता दूं वीडियो के लास्ट में दिखा दूं। और यहाँ पे देख सकते जितना भी लोग आया ना सब फोटो खींचने के लिए आया, वो देखो भाई मेरा भैया, और देखो भाई तीन गाड़ी है यहाँ पे। और अभी दिखाता हूँ आप लोगों को कि हमारे घर में कौन आया, भाई इतना ढेर सारा लग्जरी गाड़ी लेकर आया ना, हमने कभी सोचा नहीं कि हमारे जैसे घर में हमारे जैसे बस्ती में एक यूट्यूबर आएगा। तो आप लोग को दिखाता हूँ, देखो भाई यहाँ पे ना बहुत सारा लोग आया अंदर में है, आप लोग को पूरी टीम से आप लोग को मिलाता हूँ, वो जो मैंने वीडियो बनाया फेसबुक पेज के लिए अभी बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब के लिए। फिर आया तो हमारा ये है सिक्योरिटी गार्ड भैया जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आने के लिए, लाख लाख शुक्रिया। और यहाँ पे देखो भाई कितना लोग आया फोटो खींचने के लिए, अभी इतना जाम था ना लेकिन अभी धीरे धीरे जाम कम हो गया। और यहाँ पे देखो भैया कैसा लगा भैया? एकदम बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये है दो सिक्योरिटी, पूरी चार सिक्योरिटी गार्ड है। और अभी दिखाता हूँ, अभी खाना चल रहा है तो बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ कौन कौन आया, पूरी टीम से मिलाऊंगा, टाइम नहीं है सर के पास। उसके बाद भी हम दो ब्लॉग शूट किया, तो अभी देख सकते हैं यह हमारा नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा नंबर वन रिच यूट्यूबर है मुस्ताफिजुर रहमान, और मुस्ताफिजुर रहमान हमारे साथ अभी है। तो सर थैंक यू सो मच आने के लिए, इतना लाख लाख शुक्रिया कि आप हमारे जैसे बस्ती में आया पहली बार, सर बहुत ही बहुत लाख लाख शुक्रिया, आगे मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सर ना मेरे वीडियो देखते हैं, खाना भी खा रहा है, खाना भी खा रहा है। तो सर कैसा लगा हमारे यहाँ पे? अच्छा लगा क्योंकि गांव में अच्छा लगता है, गांव में जो शहर में अच्छा लगता है उससे ज्यादा गांव में मजा आता है। हाँ ये तो भाई नंबर वन बात है, इसलिए गांव में आया और तुम हो ही ऐसा चीज आने का, इसलिए आया ठीक है, अच्छे से काम करो बस। तो सर ने मेरा वीडियो पहले से देखते हैं और पूरी टीम से मिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम वेट करो भाई, इतना दूर से आया इतना महंगा महंगा गाड़ी लग्जरी गाड़ी लेकर आया ना भाई, हमारा तो रोड इतना अच्छा नहीं है, फिर भी भाई धीरे धीरे आ गया। तो सर थैंक यू सो मच। और अभी खाना खा रहे हैं, डिस्टर्ब दिया। और अभी यहाँ पे है फाइटी म्यूजिक कंपनी यानी नॉर्थ ईस्ट का नंबर वन रिच यूट्यूबर जो कंपनी है उसका एडिटर अशराफुल अहमद मेरा भैया है। तो भैया का थोड़ा सा भूखा चल रहा है तो इसलिए बात थोड़ा कम कर रहा है। तो ये है एडिटर, मैं एक एक के आप लोगों को दिखा दूँ। और यहाँ पे देखो भाई मेरा छोटा भाई, ये है आर्टिस्ट फाइटी म्यूजिक का किंग है ना भाई, ठीक है भाई ऐसे काम करके रहो ठीक है, बहुत बड़ा अगर सर के नाम एक दिन बोलना कि हमको ऐसे बनाया ठीक है, वो तो बोलना पड़ेगा। हाँ वो तो बोलना पड़ेगा। तो हिंदी थोड़ा सा नहीं आता है क्योंकि मुझे भी इतना अच्छा नहीं आता, इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ पे दो बॉस, तो बॉस क्या बोलोगे यार, आईटी में से इतना काम करते हो ना, आर्टिस्ट हो क्या, ऐसे काम करते हो और ठीक है भाई चलो ठीक है, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा दूँ सबसे ज्यादा जो भाई हमारे असम में ना इसे बंदा मिलता है, मैं कभी सोचा नहीं, लेकिन देखो भाई ऐसे देखो रियल देखो। तो भाई इसे जो भाई एक बार बोलू क्या, ये जो बाल है ना ये जो आपको देखते है ना पूरा एकदम आर्टिफिशियल में ऐसा लगता है कि आप गुंडे गुंडे है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, एक बात बोलू इतना खास आदमी है ना, इतना सिंपल। और सर के बारे में क्या ही बताओ यार, इतना रिच यूट्यूबर होकर हमारे जैसा सब लोगों के साथ पूरा बात कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई एक ही बात बोले, जितना बड़ा यूट्यूबर हो ना आपने करियर को एक स्टेप लीजर में रखना, क्योंकि आपने ऐसा नहीं करना है कि इग्नोर करना, प्राउड करना। इसलिए मैं सभी यूट्यूबर को ये बोलूंगा कि आप लोग अपना जो साइड में है ना उसमें पूरा इग्नोर और प्राउड ये सर दो। और यहाँ पे हमारा भैया जो गुंडे की बात करते हैं, और यहाँ पे दो भैया ये हमारे सारे एक फाइटी म्यूजिक कंपनी का टीम है, आप लोग देख सकते हो हमारे घर में इन्वाइट किया। और लास्ट बार यही बोलूंगा कि सर और आगे में कुछ दिन आप लोग को बुलाओ तो आना जरूर, बिल्कुल आएगा। तो अभी सर थोड़ा सा रेस्ट करेगा, पानी पिएगा, उसके बाद चलेगा पोंगाई गाँव।